अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मिसेस फरीन डेली व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ हम भी ठीक हैं और रियान उमर खैर यही जी तबीयत सही अभी भी नहीं है, मोबाइल मांग रही है और रियान जा रहे हैं स्कूल। चलो हाफिज़ रियान, पाओ आराम से रखते बेटा ज़मीन पे। अभी तो नहीं ना फिलहाल, अभी तो आराम आराम से चलो। सुबह का टाइम है, टाइम स्पीड कर कर करते आवाज़ आती ज़ोर से। जाओ अल्लाह हाफिज़, सलाम करो, अल्लाह हाफिज़ करो, सलाम करो। चलो जी ये गए स्कूल, चलिए अल्लाह हाफिज़। रहन आइए, आ गए स्कूल से रहन। वालेकुम सलाम। आ जाओ, सॉरी उम्र खैर सो रही है। चलो आ जाइए कपड़े चेंज करिए आराम से, बहन सो रही है, शो नहीं करना। लाइट फुल बन रही है, हाँ यहाँ पे भी ये कर रही है, लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। सुबह से अभी आई थोड़ी देर के लिए, फिर बंद हो गया आधे घंटे के लिए। चलें आप कपड़े चेंज करें। उमुल खैर जा रही है मदरसे, रियान जा चुके हैं, इनको देर हो रही थी तो मैंने कहा ये तैयार होकर आ रही हैं, ये अपना चाय वाय पी रही थी, दवाई वाई पी रही थी, इसलिए चले जी रियान जाओ सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम, जाओ जाओ, खोल दिया भाई ने, छोटू भाई ने खोल दिया, जाओ। ये मैं देख रही हूँ अभियान भी जा रहा है, जाओ अभियान के साथ जाओ, अभियान के साथ जाओ उमर खैर, अभियान के साथ जाओ, वहाँ जाओ खटखटाओ बयान। लॉक खोलना आता है बयान तो आप खोल लो पत्ते से। जाओ अल्लाह हाफिज, बच्चे चले गए मदरसे और मैंने कमरे की कर ली सफाई, बस बैठ रह गया, शकील सो रही है जिस वजह से, इसलिए बस शकील को उठाऊंगी। इनको ज़्यादा तबीयत सही नहीं थी, बेसन की रोटी खाई ने तो इनका पेट गड़बड़ हो गया, तो ये अपने लिए लेके आए थे पुलाव, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ क्या लेके आए थे। इन्होंने खाना अभी तक नहीं खाया, आए थे फिर सो गए थे गैस में, पहले खिचड़ी बनाने के लिए इनकी चढ़ाई और गैस चली गई अचानक, और बस इनको भी दिखाती हूँ, ये तो सो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लेके आए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दरअसल मैंने यहाँ खिचड़ी चढ़ाई थी इधर, और यहाँ चली गई गैस, तो मेरी खिचड़ी ऐसी कैसी रह गई थी। दही लेके आए थे और ये वाला पुलाव लेके आए थे, ये पुलाव लेके आए थे दही के साथ खाने को, बिरयानी है पत्नी पुलाव है, मैंने खोल के भी नहीं देखा, बिरयानी है क्या हल्के मिर्च होगा, तो मैंने कहा नहीं आप ये नहीं खाओ, तो मैंने आपके लिए खिचड़ी रखी है, आपकी खिचड़ी खा लेगा। इसलिए मैं बनाने खड़ी हुई थी, इतने में मैंने बनाने खड़ी हुई तो चली गई क्या। अब बस हम इनको उठाती हूँ शकील को, और फिर इनको खिलाते हैं खाना, क्योंकि चावल भी ठंडे हो गए बहुत देर के आए हुए, दही डाल के खाते हैं, तो मैंने कहा नहीं अब दही जो है आप खिचड़ी में डाल के खाइएगा। और यहाँ इनके चाय के बच्चे जा चुके हैं मदरसे, उनको भी मिलने भेज दिया, हालाँकि उमर भाई की तबीयत सही नहीं है, पर मैंने उनको भेज दिया घर में, उनको वैसे भी तंग करती हूँ, वहाँ जाकर सिर्फ बैठ नहीं और ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है, इस वजह से मैंने भेज दिया, ये तो दो कदम पर तो है, चले यहाँ पे तंगी करेंगी तो, इसलिए शकील को उठाते हैं। शकील शकील उठो उठो शकील, वो आपका खाना बन गया, तैयार है खाना, खाना खा लो। ये देखें आपके पीछे नीचे ना ऐसे लाइम, देखो कल डोल आए थे ना वो दबी हुई है, मैं बैठ सही था झाड़ नहीं पाई, आप सो रहे थे तो यहाँ भी पड़ी हुई है, अब उठाएं उठें तो बैठ साफ होगा। देखें रियान आ गए, रियान आवाज़ दे रहे हैं, जी जी आई बाल्टी है तो उमर खैर तो ऊपर आएगी ना अपना बैग लेने, रुक जाएं
जी बच्चे भी आ गए मदरसे से, इतनी देर मैंने सफाई करी है, बच्चे भी आ गए, शकील को उठा दिया है। वालेकुम अस्सलाम। रयान सिपारा रखो, आपकी बैग वहीं है, ठीक है, वॉलेट लो और जाओ, ठीक है, उधर ले गए, चलो सही। और नोजी का रुमाल लो, नोजी आ रही है आपको। उमुल खैर जल्दी आइए, आपको भी ट्यूशन जाना है, उमुल खैर को लेके जाना ट्यूशन। आई है मैं, चलो अपनी बेटी को गोद में लेती हूँ। ये कैसे ग्रुप कर ली थी इसका, कान बाहर नहीं निकालोगे अच्छा नहीं लगता। बाजी बोल रही थी आपको गर्मी लगती है तो ऐसे बोलती हैं। अच्छा चलो मैंने आपको पकड़ लिया, आपके तबीयत सही नहीं, इसको लेके जाओ, ये तैयार है, ये रेडी है, बस ये कंगा करेगी। गर्मी लगती है ना इसको, शकील खाने का टाइम था। चलें मैं इनको भेज के खाना लगाती हूँ। बोरे आपके पापा, बोरे अभी अभी उठे हैं सो के, बोरे आओ से बाहर रखो। अच्छा उमरान आप जाओ, कंगा करो जाओ, ये मैं मुल्क को भेज रही हूँ, जाओ फिर आपको देर हो जाती है, हर चीज़ में आपको देर हो जाती है इसी वजह से। हाँ मैं कर रही कंगा कर, अब आप चले जाओ, आपका सब कुछ वो लो, रुमाल लेके जाइए। हाँ तो लो जी साफ करो फिर बेटा, ऐसा नहीं करते बुरी बात, चुमो रखो, चलो शाबाश, चलो और आप कंगा करवाइए और जाइए मदरसे, ठीक है। मैं बाबा को खाना दूंगी, फिर आप खाना भी खाएंगे बाबा जी। आ गई ट्यूशन मदरसे से, अब जा रही हैं ट्यूशन, जावला फीस कंगा करवा के जाती हैं, आती हैं स्कार्फ चेंज कर उतारती हैं और फिर कंगा करवाती हैं, फिर जाइए जाती हैं ट्यूशन, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, गुड गर्ल, जाइए मैं ऊपर से देख लूँ, सही है आपको, जाइए जाइए, दरवाज़ा तो खुला हुआ है ना, आप चले जाइए। आराम से जाना है मुर्गा, पानी देख के नहीं, साइड साइड से जाना, सलाम करना जोर से। अच्छा जी मैं ले आई हूँ खाना, और ये लेके आए शकील अपने लिए लाए थे, पर मैंने कहा कि आप ये ना खाएं, ये खाएं खिचड़ी जो मैंने बनाई है, बस ये खिचड़ी है मसूर की दाल की और दही डाल के खाएं, आपका पेट ख़राब है, सही खा रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आपका पेट ठंडी हो गई, मैं नहीं खा रही है, मुझे तो यही अच्छी लगेगी अपनी खिचड़ी, चलें सही है, ठीक है खाना खाते हैं। और बस ये मैं प्याज कर ली के आ गई थी, अगर प्याज मेरे से बच गई थी तो मैं ले आई, वरना खा नहीं रही। चलें जी खाते हैं खाना, खाना खा लिया हम लोगों ने, अब मैं लेके आई हूँ चाय, ये लीजिए शाम की चाय पीते हैं और फिर अपना काम करते हैं, शाम में देखेंगे शकील क्या लेके आते हैं, अभी क्या बनाते हैं खाने के लिए, कुछ ला दो बाज़ार से तो फिर खाना बना लेंगे। सही है 5 बज रहे हैं, बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन, बस चलें जी जब तक पीते हैं चाय। यहाँ पे शकील जा चुके हैं और बच्चे आ गए ट्यूशन से, अम्बुलखर रयान देखते हैं, आवाज़ आ रही है रयान की, ट्यूशन से आ गए ये लोग, आओ रयान मुल्खैर, अच्छा बहन बहन को तो लेके आओ, बहन कहाँ करेगी, जफान है यहाँ से निशा की आ रही, आने दो आने दो आने दो, ये रुक गई है, आओ मुन्नी, अच्छा यहाँ तक आ जाओ, मैं यहाँ से आगो आओ यहाँ तक आ जाओ, यहाँ से मैं गोद में ले लूँगी, यहाँ तक आ जाओ थोड़ा सा चल के आ जाओ ऊपर, थोड़ा चल के आ जाओ, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, मैं आपको यहाँ से गोद में ले लूँगी, तबीयत सही नहीं है ना उसकी, उसकी तबीयत सही नहीं, ये राजू फैन ये रहा, आओ अच्छा गोद में देती इसको। यहाँ पे मैंने उमुल खैर को दिए हैं आलू बॉयल करके, माशाल्लाह फुल प्रवृत्ति था माशाल्लाह, उमुल खैर आलू बॉयल खा रही हैं और यहाँ पे रयान सो चुके हैं, बल्कि मैं इसको मना कर रही थी 8 बजे के बाद सोया, लाइट आने के बाद मैं इसको मना कर रही थी मत सो मत सो, हाँ अच्छा
अभियान सफियान आई, उमुल खा भी सो गई थी तो उनके शोर की आवाज़ से ये भी उड़ गई, और फिर उसके बाद ये भी सो गए थे तो इनको उठा रही थी कि मत सो, मगर ये सो गए। उमुल खैर उठी हैं तो अब ये उमुल खैर को दिया मैंने। अच्छा तो उमुल खैर जो है खा रही है पटाटो है ना, क्या खा रही हो? ये पटाटो है, आलू है, पटाटो है, आलू पटाटो है, आलू ये पटाटो है, पटाटो है, ये पटाटो है, सॉरी पटाटो को उर्दू में क्या बोलते हैं? आलू। हाँ पटाटो को उर्दू में आलू बोलते हैं। अच्छा जी सही है, आलू को उर्दू, आलू को इंग्लिश में पटाटो बोलते हैं। और क्या कहते हैं, उमुल खैर खा रही हैं आलू, और बस इनको खिलाते हैं खाना आलू। फिलहाल ये खा लेंगे, इनका पेट भर जाएगा इसके बाद। ये इनको मैंने वैसे भी रोटी देना नहीं चाह रही थी इसलिए मैंने इनको आलू बॉयल करके दे दिए, और मैंने अभी शकील के साथ खाना खाया इसलिए मुझे भूख नहीं है। रियान सो रहा, जब उठेगा तो मैंने खाना बना चुकी हूँ, तो इनको देंगे खाना उठा के। सही है, जब तक इनको सोने दे रहे हैं थोड़ी देर, जब तक दिखा रही है। और उमुल खैर खैर देख रही है कार्टून रोज़ की तरह। नहीं शाम को आए थे ना, चले गए ना। अच्छा जी यहाँ पे शकील आ चुके हैं, ये देखें मैंने अभी बाहर देखा तो शकील आ रहे थे। मैं भी आप लोगों को देखे, शकील आ चुके हैं ये देखें आ रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही है उमुल खैर? बाबा की गड़बड़ की बाइक खड़ी हो रही है तो यहाँ से निकालना मुश्किल होता है, पहले कोने पर खड़ा करते थे पर जब से चोरी हुई ना तो यहीं खड़ा करने लग गए। ये आ गए जी 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 जी, मुझे आ रही है। ये आ गए सर जी, उमुल खैर को दिखाते हैं। उमुल खैर की मम्मी मुझे दिखाएं, उमुल खैर भी देख लिया, चक्कर आ रहे हैं, मत देखो यहाँ से, चलो उधर जाओ। शाबाश, चलो आनंद बाबा को ऊपर। हाँ आ रहे हैं जियान, अभी तक सो रहे हैं, अभी तक नहीं उठे हैं, तो अब देखते हैं इनको उठाते हैं नहीं उठाते हैं। अब क्या उठाऊंगी, 12 तो बज रहे हैं तो मेरे हाथ से इनको सो गए, अब क्या उनको उठाऊं? आ जाओ भाई अंदर आ जाओ, गेट में करो मच्छर आ जाएंगे। नोजी से फिंगर निकालिए। खाना रख गया हमारा, और यहाँ पे शकील लेके आए उमुल खैर के लिए बन, और हम लोग खा रहे हैं भुर्ता। आज मैंने भुर्ता बनाया है। शकील कहते हैं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे पराठा और चाय दे देना, तो मैंने चाय लेके आ गई हूँ। दोपहर की थोड़ी खुचरी बची थी वो खा रहे हैं वो। ये बन है मस्का बन, मस्का बन खा रही है उमुल खैर। मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए पिज्जा की तरह, मैंने कहा आराम से एक मक्खन होता है ना, मक्खन मक्खन को मस्का कहते हैं इसके, मक्खन आराम से एक पीस उठाएंगी और खा लेंगी। इस तरह मैंने इसके पीसेस कर दिए, आराम से उमुल खैर खा लेंगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बस खाओ और सो, थोड़ा वॉक करके सोना ठीक है, खाना क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। शकील खा रहे हैं खाना, मैं भी बस अब खाना खाती हूँ। निकालें शकील रोटी निकाल के दें मुझे, मैं खाऊँगी भुर्ता, भुर्ते से हम लोग खाना खाते हैं। रोटी तली है ना मैंने, वो दे दिएगा। मैंने रोटी आपके लिए बनाई थी, नहीं दूसरी वाली, ये वाली नहीं। चले जी, ये तो पराठा है, ये रोटी, ये भी पराठा। शकील के लिए पराठा बनाया, और मैंने अपने लिए जो भी रोटी बनाई थी ना, मैंने उसको गर्म करने के लिए तल लिया हल्का सा, तल के। नहीं पराठा नहीं है, नहीं आपको पराठा नहीं खाना है, आपको जब तुम बन लाया हूं। यहां पे हो गया है सोने का वक्त, बस अब मैं भी सोने जा रही हूँ, उमुल खैर भी तैयार हैं, उमुल खैर आ गई। आप सबको अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए, आप सबकी वजह से उमुल खैर जागती रहती हैं कि मैं अल्लाह हाफिज़ कहूँगी अपने यूट्यूब फैमिली को, तो है ना उमुल खैर, हैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए उमुल खैर जागती रहती है कि मम्मा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को पहले अल्लाह हाफिज़ कहूँगी फिर सोंगी। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।